सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भाई अज काम के तौर पर गया सीगा बठिंडे ड्यूटी, तो मैं इधर अपने एस एस पी दफ्तर के सामने बठिंडे बस स्टैंड के कोल कचहरिया को धरना लग्या हुआ। ये धरने से तुम देखते हो गए भी निके निके जवाक तो कहते मजदूर ये बैठे है गए, मजदूर आपके मुर्दाबाद कर रहे हैं। क्यों मुर्दाबाद कर रहे हैं मैं तुम्हें सारी गलबात दस दूँ, वीडियो में एंड तक जुड़े रहो। जे थोनों लगे भी इन्हों का हक मिलना चाहिए तो वीडियो में शेयर भी करो, तो प्रशासन है जोड़ा वो थोड़ी जी कार्रवाई कर सके। जोड़े बंद ने इन्हों का हक मार के नपया वै तो उन्होंने मजदूरों बनता हक जोड़ा ये मिले। तो मैं आप गलबात भी करते हैं, तुम ये पट्ठे वाले मजदूर है किड़े पट्ठे के मजदूर है वह भी थोड़ा मैं दसूँगा। तो आ निके निके जवाक आप वीडियो देखते होंगे है ना भी इटा बनाई जाते है गए, कोई इटा थलदा है। इन्हां निक्के निक्के बंदे बच्चों की मेहनत आप सारे बंदे सोशल मीडिया से देखते दे हैं, पर इन्हां दी मेहनत जिहड़ी निक्के निक्के बच्चों की होंदी है भी वह मिली नहीं। इन्हां नूं की कारण हो गया भी जिहड़ी इन्हां दी मेहनत इन्हां नूं मिली नहीं। आप इत्थे बाई जी खड़े उन्हां नाल भी गलबात करांगे, भैन जी खड़े उन्हां नाल भी गलबात करांगे भी की गलबात है भी इन्हां दी मेहनत जिहड़ी इन्हां ने कीती सी इट्टां बणाईआं सीगीआं किहड़े पट्ठे दे मजदूर है ते कित्थों दे रहण वाले। सत श्री अकाल बई कोठा गुरु पट्ठे काम कर रहे थी। हाँ। प्रेम बाबू पट्ठे मालिक का नाम है और आरबी पट्ठे आरबी एस दिला मार का। अच्छा ए कोठे गुरु के दा कोठे गुरु के जी सर दा पट्ठा हैगा। हां ओथे किन्ने देर तो काम कर रहे हो तुसी? वहां से लगभग 7-8 महीने हो गए हमें काम करते करते। अच्छा हमसे अब गलत बर्ताव बरत रहे हैं वो लोग। अच्छा वो बोलते हैं कि यहां से पैसा आपको कम मिलेगा, बिजली का बिल भी जेड़े 8-9 महीने आप बोल रहे हो भी। हाँ। हमको 8-9 महीने हो गए वहां, पहले उसने रुपया दिया कुछ के नहीं दिया? पहले खर्चे उर्चे में ऐसे ही थोड़े बहुत देते रहे। हां खर्चे पानी के लिए जब हिसाब का आधी टाइम आया तो मुंशी और वहाँ के जो ये मतलब वो नहीं होते चौकीदार। हाँ चौकीदार चौकीदार भी धमका रहे हैं कि हाँ। जाओ यहाँ जी जाए वहाँ पर कार्रवाई करो, मुंशी भी बोलता है। अच्छा आप भी जिन्नी तुसी मेहनत की कितनी इट्ठा बनाईया इट का की हिसाब होता है? सर हमें हिसाब ही नहीं दे रहा, हम बोल रहे हमारी डायरी का हिसाब दे दो। हाँ जो आपके मुंशी ने कितनी इट्टा बना चुके हो हुण तक? 8-9 महीने जो यहाँ लगभग किसी की 5 लाख हो जाती है, किसी की 6 लाख हो जाती है। अच्छा किसी की 4 6 लाख का जे मान लिया आप मोटी मोटी 6 लाख कच्ची इट बना दी, तुसी किन्ने रुपए बनदे फिर छोड़े? इसके सरकारी रेट से हमने तय किया था। हाँ। 500 रुपए का रेट दे रहा है। अच्छा उसमें भी बिजली का बिल काट रहे हैं। अच्छा 10,000 रुपए जुग्गी प्रति जुग्गी 10,000 रुपए काट रहे हैं बिजली का बिल। अच्छा ते ये भाई जेड़े निके निके जवाक अपने बिच बैठे है गए ये ते ए भी फिर उदों कहंदे काम करदे होणगे थोड़े नाल? सारे बंदे जे छोटे छोटे जवाक हैं ठंड में गर्मी में जो भी कोई मौसम आए चाहे बरसात ऋतु का मौसम आए लेकिन जवाकों को साथ ही लेके काम करते हैं। ये निके निके जवाकों की मेहनत भी है ना, इन्होंने भी इटा पलटाइया इन्होंने भी इटा बनाईया। हाँ, ये जिन्हें भी मेरे नाल सज्जन जुड़े हुए उन्होंने मैं बेनती करदा भाई इन्हां दी आपां जदों ये मेहनत करदे हुंदे आ वो आप वीडियो बढ़िया शेयर करते हैं भी निका जहा बच्चा वीडियो इटा थली आता जो मेहनत आप मेहनत बहुत है तो इन्हों की मेहनत का हक भी मिले। वीडियो भी जरूर शेयर करो तो ग्रुपां च भी शेयर करो, सारे भरा पांच ग्रुपां दे विच शेयर करो तो ता जो इन्हों जो इन्हों का बनता हक है जो इन्हों मिल सके। तो किन्ने दिन तो बैठे हो फिर तुम इतने? यहाँ से तो कल से बैठे, कल से बैठे हैं डीसी साहब से। हमने परसों भी आए डीसी साहब से दरखास्त लगाने, कल भी आए थे लेकिन डीसी साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे। अच्छा यहाँ सीआईडी वाले हैं, सीआईडी वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप क्या मांग करते हो? हम तो मांग करते हैं हमारा रेट सही सलामत हो जाए, हम भी अपने घर जाएं। चलो भाई है ना अपना हक बनता भी पुलिस भी प्रशासन भी इन्हें कार्रवाई जिन्होंने बनती उन्होंने की जाए इन्हों का मिलता हक है जो निके निके बच्चों का बनता हक है तो इन्हों मिल सके। तो इसलिए तुम ये वीडियो में शेयर करो, ये बेचारे कल भी इतने धुप्पे बैठे रहे सारा दिन, अज भी ये कहते जो सा ना कोई हल हो तो अभी इतने धुप्पे बैठे रहेंगे। थोड़ा वीडियो में लास्ट तक जुड़न लिए धन्यवाद है, तो आपकी जिम्मेवारी समझते हो भाई बन के वीडियो शेयर कर दो इन्हों का बनता मजदूरों का हक है जो इन्हों मिल सके।
ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਥਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ।